देखो पीडीएफ कुछ बच्चे कह रहे हैं डाउनलोड, पीडीएफ के लिए मैं अभी बताऊंगा आपको। सबसे पहले समझते हैं सर न्यू टॉपिक, ग्रेड सैलरी। ग्रेड सैलरी में मान लो आप हो एम्प्लॉय और आप एक, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए ऑफलाइन वाले जो भी बच्चे हैं, बातें बाद में। आप हो एम्प्लॉय और आप यहाँ पे जॉब करने के लिए गए, तो बट ऑब्वियस है जब जॉब करने के लिए जाओगे तो क्या क्या सवाल होंगे, मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। आप आए जॉब पूछने के लिए, तो सबसे पहले आपको, आप लेके आओगे अपने साथ व्हाट, रिज्यूम, जिसे बायोडेटा बोल लो कुछ भी बोल लो, आप लेके आओगे और इसके सामने रख दोगे। दोनों की बातचीत चलेगी बहुत देर तक। उसके बाद इसका क्वेश्चन सबसे पहला और रहता है कि आप पहले जहां काम करते थे, या तो आप फ्रेशर हो या तो जॉब कर रहे हो, मान लेते हैं कि जॉब कर रहे हो, तो वहां सैलरी क्या था। इसने बताया कि वहां पे सैलरी मेरा था 50,000 रुपये, सपोज करो सैलरी क्या था, यहाँ पे 50,000 रुपये सैलरी था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एम्प्लॉयर इसको 50,000 सैलरी दे पाएगा तब तो इसे रखेगा, अगर नहीं दे पाएगा तो नहीं रखेगा। बहुत सिंपल सी बात है सर, सैलरी कितनी है इसकी, 50,000 रुपये। अब दूसरा फिर इधर से क्वेश्चन आएगा, सर ठीक है आप मुझे अगर 60,000 दे रहे हैं तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अब सब कुछ जब डन हो जाएगा ना, आपस में जब सारी बातचीतें हो जाती है, डन हो जाता है, तो फिर क्या करता है ये, इसको एक लेटर देता है, जिस लेटर को लिखा जाता है ऑफर लेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑफर लेटर। इस ऑफर लेटर में सारे टर्म्स एंड कंडीशन, टाइमिंग, सारे रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, ताकि आप इसे पढ़ लीजिए। साथ के साथ इस ऑफर लेटर में ये भी होता है कि अगर अभी आपकी सैलरी 60,000 है तो अगले महीने आपकी, अगले साल, आज आपने ज्वाइन अगर अगस्त में किया है तो आपका साल कंप्लीट कब होगा, अगस्त में ही होने वाला है, 1 साल पूरा ड्यूरेशन, और 1 साल बाद ठीक आपका 2,000 बढ़ा दिया जाएगा, यानी आपकी सैलरी हो जाएगी 60,000 से 62,000। आपको सिर्फ 1 साल का डिटेल नहीं दे दिया जाता है, 5 से 10 सालों का आपको डिटेल दे दिया जाता है, ताकि आप बार बार इस बात को क्वेश्चन में ना लाओ। अब आपकी सैलरी तब तक ज्यादा तेजी से हाइक नहीं होगा जब तक आपका पोस्ट चेंज, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं हजारों की तादाद में, तो हर कोई अगर मेरे से बोले सर सैलरी बढ़ा दो 1 साल हो गए सैलरी, अगर मान लो मेरे पास 5,000 एम्प्लॉय है तो मैं दिन भर सभी को सुनता ही रह जाऊंगा, भाई मेरी सैलरी बढ़ा दो, अच्छा ठीक है चलो ठीक है 500 बढ़ा दिया, फिर दूसरा आएगा सर 1 साल हो गए। तो अगर 5,000 एम्प्लॉय है मेरे पास तो हर दिन 1 साल कितने एम्प्लॉय का हो रहा होगा ये अंदाजा नहीं लगा सकते, हर दिन हो रहा होगा, हर दिन मेरे पास आएगा सर 1 साल हो गया सैलरी। तो इसलिए हम पहले ही एक जॉब के टाइम पे एक स्टैट फॉर्मेट और एक स्टैट सारी चीज़ें बना लेते हैं, जिससे कि दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सर इसको निकालते कैसे हैं, और उस रिज्यूम कह रहा हूँ, उस ऑफर लेटर में लिखा कैसे होता है वो चीज़ें देखिए, उसकी कहानी मैं बता रहा हूँ। ऑफर लेटर में लिखा कैसे होता है, लिखा होगा सर आपने ज्वाइन किया सपोज करो 1/4 को, मैं साल का शुरू का ईयर ले रहा हूँ लेकिन कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, चलो कंफ्यूज ना हो 1/5 कर देते हैं, आपने 1/5 को ज्वाइन किया, अब सैलरी जो आपकी बढ़ेगी कब बढ़ेगी, अगली बार जो 1/5 आएगा, यानी 1 साल कंप्लीट आपका 30 अप्रैल तक हो जाएगा। मैंने बोला आपकी सैलरी है 20,000, फिर हाइफन लगाया 2,000, फिर हाइफन लगाया 24,000, फिर हाइफन लगाया 3,000, फिर हाइफन लगाया 20, तो अच्छा नहीं आप समझिए अभी मैं बताऊंगा, 24,000 फिर हाइफन लगाया मैंने 30,000, फिर हाइफन लगाया मैंने 4,000। अभी कोई बीच में बोले ना, सिर्फ समझिए, मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा अभी। फिर हाइफन लगाया मैंने 42,000, फिर हाइफन लगाया मैंने 5,000, सर ऐसे कुछ मैंने आपको डिटेल दिया,
आप पहली पहली बार जॉब में जाओगे तो ये डिटेल आपको मिलेगा। अब इस डिटेल का मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। अब जिन बच्चों ने इनकम टैक्स को समझा है, पढ़ा है या जॉब करा है, उन्हें तो पता चल जाएगा ये इसकी बात कर रहा है आज के बाद। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उसे पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं क्या दे दिया। कहने का मतलब है सर, ईयर वन में आपकी सैलरी होगी 20,000, ध्यान दीजिएगा। ईयर टू में 2,000 की इंक्रीमेंट लग जाएगी और आपकी सैलरी हो जाएगी। ईयर थ्री में आपकी सैलरी हो जाएगी 2,000, फिर बढ़ जाएगा 24,000। ईयर 4, जैसे ही 24,000 आपकी सैलरी होगा, अब इंक्रीमेंट जो है 3,000 का लगेगा, आपका सैलरी क्या हो जाएगा, 27। समझ रहे हो क्या ये? इसके बाद आएगा ईयर 5, अब आपका 3-3 हजार से आपकी सैलरी कितनी हो गई। और जैसे ही आप आएंगे ईयर 6, तो अब आपकी 3,000 रुपये की बढ़ोतरी नहीं होगी, अब कितने बढ़ने लग जाएंगे, यानी आपकी सैलरी सीधी हो जाएगी। ईयर सेवन में अब आपका हो जाएगा 38,000। ईयर एट के बाद हो जाएगा आपका 42,000। और ईयर 9 में 42 के बाद जो बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा। और मैंने इसके बाद कोई ग्रेड नहीं दिया, तो इसका मतलब हर साल आपका बढ़ता रहेगा, कितना, लास्ट 5,000। इस तरीके से आपका सैलरी हर साल इंक्रीमेंट लगता है। आपको पूछना नहीं है मालिक से, सर बढ़ा दो, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो, वो खुद ब खुद जो पहले से फिक्स रहता है वो बढ़ जाएगा। अब मैंने ये बोला क्या है, ये मंथली सैलरी की बात चल रही है। कौन सी सैलरी की बात चल रही है, ये नहीं कि ईयर 1 लिखा है तो एक साल में 20,000 मिलेगा, नहीं, मंथली, हर महीने 20, फिर अगले साल से हर महीने 22, फिर अगले साल से हर महीने 24, 2-2 हजार बढ़ रहे थे। लेकिन फिर मैंने देखा, भैया अब तो आपका ग्रेड क्या हो गया, बढ़ गया, अब आप इस ग्रेड में आ गए हो, तो आप 3-3 हजार रुपये बढ़ना चालू हो गया। एक लिमिट के बाद आपका ग्रेड फिर बदलेगा, फिर 4-4 हजार बढ़ना चालू हो जाएगा। ये समझ में आई बात आपको? यहां तक किसी को डाउट है, समझ में आया ये क्या ग्रेड है? सर सैलरी चैप्टर में ग्रेड क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि आपको सैलरी जो कैलकुलेट करना होता है ना, सैलरी जो कैलकुलेट करना होता है, हमेशा याद रखना, आपको सैलरी कैलकुलेट करना होगा 1/4 से लेके 31/3 तक, इन बिटवीन द जो होगा उसको कैलकुलेट करना है, 1/4 से लेके 31, समझ रहे हो? अब मैंने बोला, सपोज करो इसने ज्वाइनिंग किया 1/5/2018 में, अब आपको टैक्सेबल सैलरी निकालना है 2021 और 2000, आपको तो बोल दिया इसका ज्वाइनिंग है 2018 में, और 2018 में क्या सैलरी ले रहा होगा वो, तो भैया 2019 में तो 20 रहा नहीं होगा, बढ़ गया होगा, मतलब बढ़ता गया होगा अल्टीमेटली। तो सर मुझसे पूछा गया 20, 21 और 22 का बता दीजिए क्या रहेगा। तो अब 21 और 22 ये असेसमेंट ईयर नहीं है, ये हमारा है प्रीवियस ईयर, ठीक है? कुछ बच्चों को प्रीवियस ईयर नहीं पता, तो पुरानी वीडियो में मैंने डाला हुआ है, वो देख सकते हैं। चलिए मैं इसका सैलरी निकाल के दिखाता हूँ सर, कैसे निकलेगा इसका सैलरी। तो हमें पूरा कैलकुलेट करना होगा इस साल में एक्चुअल इसका सैलरी क्या आ रहा था। कैसे निकालते हैं सर, इसका सैलरी एक्चुअल क्या आ रहा होगा, पॉइंट नंबर वन, 1/5 से लेके 30/4 2019 तक इसकी सैलरी रही थी, फिर 1/5 से लेके 30/4 2020 तक इसकी सैलरी रही थी 22, फिर 1/5 से लेके 30/4 2021 में इसकी सैलरी थी 24,000, ठीक है ना? उसके बाद 1/5 से लेके 30/4 2022 तक इसकी सैलरी रही थी 27,000।
सर हमें जो सैलरी निकालना है, सैलरी जो निकालना है, मैं जो हमें सैलरी निकालना है ना, वो सैलरी कुछ यहाँ बताना, थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहे हैं बट कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। सैलरी निकालना है हमें 1/4/2021 से लेके 31/3/2022। तो देखो 30/4/2022, हमें 31/3/2022, तो यानी हमारा एंडिंग डेट तो खत्म हो गया। इसके बाद हमें कितनी सैलरी होगी जानने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्टिंग 1/4 को हुआ तो 1 अप्रैल 2021 किस में आ रहा होगा? 1 अप्रैल 2021 बताइए, इसके अंदर आ रहा होगा 1 अप्रैल, क्योंकि यहां पे 30/4 है, तो यानी 1 महीना तो इसमें आ गया। तो 1 महीने तक यानी अप्रैल के महीने में इसका सैलरी जो रहा होगा, देखिए आप, क्योंकि ये तो मई आ गया, मई आ गया, हमें कब से काउंट करना है? अप्रैल, तो अप्रैल तो पिछले साल में गया, तो इसकी सैलरी रही होगी 1 महीने की 24,000। बाकी अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारा इसी स्लैब रेट में आ रहा है। इसका मतलब बाकी के 11 महीने, ये तो 1 महीने का है जो कि बना 24,000, बाकी के 11 महीने इसकी सैलरी रही होगी 27,000 × 11। तो 27,000 × 11 करेंगे तो क्या आएगा सर? 27,000 × 11 करके बता दीजिए आप। 290 सर, इसको टोटल कर देते हैं, इसकी सैलरी आ गई 3,21,000। और ये सैलरी है ना सर, ये टोटल सैलरी नहीं है, ये हमेशा डिसाइड होता है बेसिक सैलरी। तो इसका सैलरी जिस साल ये आपसे पूछा गया है उस साल क्या है? 3,21,000 रुपये पूरे साल, क्योंकि हम पूरे साल का टैक्स निकालेंगे ना कि 1 महीने का। तो पूरे साल का सैलरी क्या है हमारा? 3 लाख। अब देखो 3,21,000 में क्या प्रॉब्लम आ गया? 1 महीने की कुछ और है, 11 महीने का कुछ और है। अगर मैं इसी का ज्वाइनिंग करवा देता, मान लेते हैं कि मैं बोलता जी ये आया 1 जुलाई में, कहानी और बदल जाती। तो यानी सबसे पहले आपको ग्रेड का मतलब समझ में आया, हर साल कैसे कैसे इंक्रीमेंट होगा, जिस साल का सैलरी पूछा जाए कैसे निकाला जाएगा ये भी पता चला। तो एक बार फटाफट से इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक बुक का क्वेश्चन देता हूँ, एक बुक का क्वेश्चन देता हूँ आपको ग्रेड सैलरी का। आपके सामने डिस्प्ले करते हैं अभी, रुकिए। जिनके पास बुक, जिन्होंने बाय कर रखा है, बुक में 4.1 है, बाकी तो मैं डिस्प्ले कर ही देता हूं। यस, ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। देखो दो चीजें बाय करनी है, एक तो देखो 10 ईयर तो आप लेते ही लेते हो, आपने सेकंड सेमेस्टर में भी लिया होगा। 10 ईयर में देखो मैं पीडीएफ तो दूंगा, लेकिन 10 ईयर से आपको मिल जाएगा एक हार्ड कॉपी सारे चार्ट के, इसके अंदर हर एक चैप्टर से पहले चार्ट मैंने लगा दिए हैं। एक तो ये बेनिफिट मिल जाएगा सर। दूसरा, मैंने कहा कि मैं बुक ग्रीस आहूजा और उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो बुक से करा दूंगा, ताकि आपका बुक भी होता रहे और 10 ईयर के एक समरी चार्ट भी आपको मिल जाए। बुक में तो नहीं दे रखा समरी चार्ट, बहुत बड़ा है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया। दूसरा, ताकि आपको साथ के साथ 10 ईयर के मैं क्वेश्चन भी करा दूँ, तो दोनों चीज़ें होंगे, एग्जाम के क्वेश्चन भी हो रहे होंगे, बुक के भी क्वेश्चन हो रहे होंगे और रिवाइज भी हो रहा होगा, इसलिए। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, नोट कर लिया हो तो ठीक, नहीं तो मैं नोटिंग के लिए थोड़ा वक्त दे दूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ सर, क्वेश्चन बिल्कुल। आज 17 तारीख है, आपके बुक का ही है। 4.1 सैलरी चैप्टर निकालिए और उसका 4.1, हालांकि आंसर बाद में दिखाएंगे, पहले आपको क्वेश्चन करने के लिए देते हैं। एक मैं करके दिखा दूंगा यार। सर ये रहा पहला क्वेश्चन, देखो
देखिए थोड़ा कम हो सकता है, विजुअल हो, अगली क्लास से मैं पूरा टाइप करके ही करवा लूंगा इसको सारे क्वेश्चन। यस 10 ईयर मार्केट में अवेलेबल होगा, नियर बाय शॉप पे जाइएगा मिल जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन विजुअल हो रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो, थोड़ा मैंने इसको स्ट्रेस कर दिया इसलिए। क्वेश्चन क्या कहता है, अभी डाउट जो है जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं अभी लेते हैं। एक्स ने कहा ज्वाइन किया सर्विस, ग्रेडिंग था 12,000, फिर 300, फिर 13,800, फिर 400, फिर 17,800, ज्वाइन किया 1/6 को इसने, कंप्यूट इसका सैलरी बताइए 22-23 के लिए, यानी आपको 1/4 2021 से लेके 31/3 2022 तक में इसको कितना सैलरी मिला होगा वो आपको बताना है। ज्वाइनिंग डेट कब की है, तो 1/6 को ज्वाइनिंग है, तो बढ़ेगा कब, लास्ट साल होगा 31/5 को इसका खत्म, 1 साल यही होगा। और ग्रेडिंग देखिए 12 और 300, मतलब 300 300 बढ़ेगा, 313,800 जैसे पहुंचेगा, बढ़ना कितना चालू हो जाएगा इसका 400, 800 के बाद नहीं दिया हुआ, इसके बाद 400 ही 400 बढ़ता रहेगा, लास्ट 12 4 17 800 दे रखा है। आप एक बार करके दिखाइए, कर पाएंगे इसे क्वेश्चन को, जल्दी करिए फिर मैं देखता हूँ, देखते हैं आपको पिछले वाला टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया। ओहो इसको बड़ा छोटा भी नहीं कर पा रहे, अगली क्लास से पूरा टाइप ही करवा लेंगे क्वेश्चन। हाँ 2010 में ज्वाइनिंग किया था इसने, यानी 10 से इंक्रीमेंट देखना है आपको। मैं भी करता हूँ आपके साथ साथ, आप करते रहिए, मेरे मत देखिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ धीरे धीरे। भाई अपना अपना करना है, मेरा नहीं देखना, मैं तो गलत कर रहा हूं।
लाइव वाले बच्चों का जवाब आ गया 1,88,800, कुछ ने दिया 2,17,600, रिया ने जवाब दे दिया। मेरी गलत है? चलिए देखिए, देखते हैं। बारह, 300, 600। ओके चलिए आप करिए, देखते हैं। नौ सौ आएगा ना पहले, तो 300 बढ़ गए, 600 बढ़ गए। भाई सभी को मौका दिया जा रहा है, करें। देखिए आपका आंसर ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। जिन जिन बच्चों ने लाइव क्लास में, काफी बच्चों का ये आंसर आ चुका है, सभी का आंसर ठीक है जिसका ये है सामने। बाईस तेईस असेसमेंट ईयर है, तो मैंने बताया प्रीवियस ईयर 21-22 हो जाएगा, हमेशा प्रीवियस ईयर का निकालते हैं। वन एटी एट किस किस का आ गया? दिया का आ गया था, रिया, दीप, शिवांगी, पारस जैन, अदिति शर्मा, प्रियंका कुकरेजा और सुहानी का गलत हो गया, शायद आगे साल का निकाल दिया सुहानी ने।
कर लिया, समझा दूं एक बार। सर देखिए, ज्वाइनिंग 1/6/2010 में था, तो 1/6/2010 देखते जाइएगा, 1/6/2010 में ज्वाइनिंग था, तो 1/6/2010 के बाद 31/5 पूरा साल हो जाता है इसका। एक यहाँ पे इसकी सैलरी होती है कितनी सर? 12,000। क्वेश्चन कहता है जी 12,000 में हर साल की इंक्रीमेंट लगनी है 300 रुपये। इसके बाद जून से मैं इधर इधर का ईयर ले लेता हूँ, 11 के बाद आएगा 12, लेकिन 31/5 आएगा, 300 बढ़ गए। फिर 13 आ गया हमारा, 13 के अंदर फिर 300 बढ़ गए, 12,600। फिर 14 आ गया, फिर 12,900। 15 आ गया, 12,200। 13,200। 16 में फिर 300 बढ़ाया, 13,500। कब तक बढ़ाना है? जब तक 13,800 के सिचुएशन को रीच ना कर लो। 31/17 को 13,800 हुआ, इसके बाद इसका स्लैब रेट चेंज, और ये आ गया इसके अंदर। अब 400 रुपये इसके अंदर इंक्रीमेंट लगाया, ध्यान से देखो, तो 1200 हो गया इंक्रीमेंट, यानी 14,200। फिर 400 बढ़ाएंगे 14,600। फिर 400 बढ़ाएंगे 15। फिर 400 बढ़ाएंगे तो ये आ गया। अब लास्ट में कहानी घूम फिर के पता है कहाँ आई? हमारा जो ईयर निकालना है ना, वो ये दोनों साल के अंदर इन्वॉल्व है, इन दोनों साल में, क्योंकि हमें निकालना है 21 अप्रैल। तो सर 21 अप्रैल तो यहीं पे है, अप्रैल भी यहाँ पे है, मई 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 2 महीने। तो 15,400 को 2 से गुना करा 2 महीने में, बाकी के पता है 10 महीने तो अगले में ही जाना है, तो 10 महीने, तो टोटल सैलरी हमारा ये आ गया। बेसिक सुहानी का एक डाउट है, बोलिए सुहानी क्या डाउट है, टाइप कर दीजिए आप। क्लियर है हर बच्चों को? आप इसके आंसर देखो, वैसे तो मैंने बुक का इमेज क्लिक किया है, आपको अगर विजुअल हो तो इसका आंसर देख सकते हैं। इन्होंने पूरा वैसे ही ये करके दिखाया है जो कि हमने नॉर्मली किया है। सिर्फ ग्रेड सैलरी निकालने को नहीं आएगा एग्जाम में, इसकी चिंता मत करो, अभी तो सिखाया जा रहा है 1 बाय 1। इसके बाद लास्ट डे, ड्यू डेट, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। अगली क्लास से कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से फॉर्मेट में या अलग से कोई क्वेश्चन दूँ। हाँ, ये साल 15,400 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि वो इस वाले साल के अंदर आ रहा है, और 2 ही महीने आ रहा है, अप्रैल और मई। जून से तो इधर पहुंच गया वो। अभी रुक जाइए, बताते हैं। सर मल्टीप्लाई 2, देखिए इस वाले साल में 2021 आ रहा है, तो 2 महीने इस साल के अंदर रुक रहा है, और जून में यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना? तो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन दूंगा, जिनके पास किताब है, जिन बच्चों के पास बुक है, बुक के अंदर 4.2 कर लेंगे आप, बुक के अंदर 4.2 होमवर्क में, इसमें भी आपको निकालना है। इसके बाद हम सीखेंगे सर बेसिस ऑफ सैलरी। हाँ, और क्वेश्चन मैं डाल दूंगा कुछ सिंघानिया के, कुछ और अलग से मैं बना के, और कल संडे है, कल तो टाइपिस्ट आएगा नहीं, तो टाइप हो नहीं पाएगा, तो मैं मंडे डेफिनेटली डाल दूंगा, या इमेज क्लिक करके ही डाल दूंगा आपके एप्लीकेशन में प्रैक्टिस के लिए। नहीं, कुछ क्वेश्चन जो बुक से है वो मैं बुक से अलग से बता रहा हूँ, उसके अंदर अभी डाले नहीं, अभी बुक अपडेट कर रहा हूँ मैं उस बुक को, तो जल्दी ही इस टाइप के भी क्वेश्चन उसमें आने लग जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट। होपफुली आज कोई डाउट होगा नहीं, अभी आपको रिकॉर्डेड और पीडीएफ फॉर्मेट में मिल भी जाएगा।